कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन काल से कुछ ऐसे त्यौहार मनाए जाते रहे हैं जिनका कोई ना कोई इतिहास रहा है या उसके पीछे कोई ना कोई कहानियाँ रही हैं। कहानियाँ नहीं हैं बल्कि वो वास्तविकताएँ भी हैं और उनके साक्ष्य भी हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा भी उसको जस्टिफाइड किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी त्यौहार के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगा सकते हैं, पर प्रश्न चूंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि होली का त्यौहार वो इसी महीने में क्यों मनाया जाता है, या जब भी हमारे मौसम का परिवर्तन होता है तब होली, दिवाली इस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता तो यह है कि उसके पीछे उस घटना का घटित होना जिसकी वजह से होली का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और यहाँ पर आपसी उल्लास, तरोताजगी, यहाँ तक कि हमारे जीवन में रंगों का एक विशेष महत्व भी है क्योंकि हमारा मानव शरीर जो है वो 7 प्रकार के रंगों से किसी न किसी प्रकार से ओतप्रोत है। तो उसके अंदर तरोताजगी बनी रहे, हमारा धर्म के प्रति, हमारा जाति के प्रति, हमारा भाव और उसके प्रति हमारी आस्था जुड़ी रहे, इसीलिए बारंबार हर प्रतिवर्ष हम क्या है त्योहारों को मनाते हैं। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मार्च का जो महीना है उसका नाम सुनते ही दो बातें विशेष रूप से याद आती हैं। एक तो ये कि भाई असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा होता है 31 मार्च को, दूसरा क्या होता है कि लगभग 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में ही होली सामान्यतः आती है जो कि मौसम परिवर्तन का भी परिचायक होती है। और आप जब खेतों या खलिहानों में देखेंगे तो हर जगह आपको पीला ही रंग चारों तरफ नजर आएगा और जो पीत रंग है या जो पीला रंग है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, हमारे उमंग का कारक होता है और हमारे तरंग का कारक होता है। जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया, इसका धार्मिक महत्व यह है कि हम जब होली का त्यौहार मनाते हैं तो उससे पहले होलिका दहन का एक शास्त्र सम्मत प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। चूँकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा के अंदर होलिका दहन नहीं किया जाता है और इस बार 24 मार्च 2024 को यानी रविवार के दिन सुबह 9:27 से लेकर और रात के 10:27 तक भद्रा काल रहेगा और भद्रा के अंदर होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा होलिका का दहन रात को 10:27 से लेकर और लगभग 12:36 तक किया जाना शास्त्र सम्मत है। चूँकि होलिका दहन अगर रात में मनाई जाती है तो निश्चित रूप से ऐसा देखा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि रात्रिकालीन जो नेगेटिविटीज़ होती हैं जिसको हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उस दिन होलिका का दहन करने से कहीं ना कहीं मनों के अंदर जो दुरा भाव है, वैमनस्यता का भाव है, वो खत्म होता है। और ज्योतिष की दृष्टि में शुक्र और शनि का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। 2024 का ये जो होली का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सुखद समाचार अवश्य रूप से लाएगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से।